नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब राज्य के सभी कारखानों के सुरक्षा मानकों की होगी जांच। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में परिणाम आधारित बनेंगे पाठ्यक्रम। दूसरे चरण में डायल 112 के तहत 1800 वाहन किए जाएंगे मुहैया। राजस्व भूमि विभाग निकालेगा 10,000 पदों के लिए भर्तियां। कुलदीप की फिरकी में फंसी अफ्रीकी टीम। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राजस्व भूमि विभाग निकालेगा 10,000 पदों के लिए भर्तियां। बीते दिन शास्त्री नगर स्थित सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में बंदोबस्त पदाधिकारियों की मासिक बैठक बुलाई गई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने प्रथम चरण के सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को कहा है कि वो अपने जिलों में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के काम में प्रारूप प्रकाशन का काम हर हाल में फरवरी तक पूरा कर लें। वहीं अगले साल के शुरू में पूरे बिहार में एक साथ भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू किया जाएगा। इस काम को अगले 2 साल में यानी 2024 के आखिरी तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अगले 1 सप्ताह में 10,000 संविदा आधारित पदों का विज्ञापन निकाला जा रहा है, जिसमें 8200 पद सिर्फ अमीन के होंगे। अब राज्य के सभी कारखानों के सुरक्षा मानकों की होगी जांच। कारखानों में सुरक्षा मानकों की जांच के लिए श्रम संसाधन विभाग विशेष अभियान चलाएगा। पिछले साल दिसंबर में मुजफ्फरपुर में हुए हादसों से सबक लेते हुए श्रम संसाधन विभाग कुछ ही कारखानों की जांच की थी, विशेषकर वैसे कारखाने जिसमें बॉयलर से काम होते हैं। लेकिन अब विभाग ने तय किया है कि सभी बड़े छोटे निबंधित कारखानों की जाँच होगी। राज्य में 8,274 निबंधित कारखाना है, इसमें 2,20,000 लोग काम करते हैं। छोटे कारखानों में भी अगलगी, विस्फोट या शॉर्ट सर्किट से निपटने की क्या व्यवस्था है, बिजली के तारों का सही इंतजाम है या नहीं, जांच में यह भी देखा जाएगा। कर्मचारियों के रहने खाने की व्यवस्था भी जांच में देखी जाएगी। विभाग की कोशिश है कि कामगार बेहतर वातावरण में काम करें। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सोनाक्षी सिन्हा की। सोनाक्षी सिन्हा एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। इंडिपेंडेंट फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम करने के बाद उन्होंने 2010 में एक्शन फिल्म दबंग में रज्जो पांडे को चित्रित करते हुए अभिनय की शुरुआत की, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया। राउरी राठौर, सन ऑफ सरदार, दबंग 2 और हॉलीडे अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी सहित कई एक्शन फिल्मों में पुरुष नायक की रोमांटिक रुचि निभाने के लिए वह प्रमुखता से उभरी। सोनाक्षी सिन्हा का जन्म 2 जून 1987 को फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा के घर पटना में हुआ था। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में परिणाम आधारित बनेंगे पाठ्यक्रम। बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए अहम खबर है। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में परिणाम आधारित पाठ्यक्रम विकसित किए जाएंगे। इसके तहत वैसे पाठ्यक्रम डिजाइन होंगे जिसकी पढ़ाई के बाद विद्यार्थी बेहतर रोजगार हासिल कर सके और यह पाठ्यक्रम सीधे उद्योग से जुड़ा होगा। साथ ही विद्यार्थियों की विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ने राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल को चुना है। वहीं बताते चले कि पॉलिटेक्निक के 5वें सेमेस्टर के विद्यार्थियों को इसी शैक्षणिक सत्र 2022-23 में इसका लाभ मिलेगा। आगे के चरण में इंजीनियरिंग कॉलेजों के पाठ्यक्रमों को भी विकसित किए जाने की योजना है। आयोग के सचिव ने बताया कब तक आएगा बीपीएससी 67वीं परीक्षा का परिणाम। हाल ही में संपन्न हुए बीपीएससी 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा की ओमार शीट की स्क्रैनिंग शुरू कर दी गई है। इसकी प्रक्रिया पूरे पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है, इसकी जानकारी आयोग के सचिव अमरेंद्र कुमार ने दी है। वहीं उन्होंने बताया कि 15 नवम्बर तक इसके परिणाम को जारी करने की कवायद की जा रही है। उसके बाद सफल अभ्यर्थियों को उनकी लॉगिंग में ओएमआर की कॉपी डाल दी जाएगी। इसके बाद वह अपने मूल्यांकन के पहले तथा बाद के ओएमआर शीट को देख सकेंगे। वहीं इसके परिणाम जारी होने के बाद दिसंबर तक इसकी मुख्य परीक्षा लिए जाने की कवायद की जा रही है। दूसरे चरण में डायल 112 के तहत 1800 वाहन किए जाएंगे मुहैया। हाल ही में कुछ महीने पहले शुरू किए गए डायल 112 की सुविधा में सफलता मिल रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के मुताबिक डायल 112 के तहत सूचना दिए जाने के बाद कई लोगों की जान समय रहते बचाई गई है। उन्होंने बताया कि हाल फिलहाल के दिनों में छपरा के एक घर में बंद करके रखी गई 2 महिलाओं को भी सूचना के बाद पुलिस की टीम ने मुक्त करवाया है। ऐसे ही करीब अब तक 25,533 से अधिक
में शिकायतें आई हैं, जिसमें घरेलू हिंसा के 13%, दुर्घटना के 9%, चिकित्सा से जुड़े 6%, आपसी विवाद के 40%, मद निषेध विभाग कानून के तहत 7%, अग्निकांड से जुड़े 2% और लूट और चोरी से संबंधित 4% मामले सामने आए हैं। प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी जिसमें 400 वाहन थे, वहीं अब इसी साल के दिसंबर तक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के तहत दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसमें कुल 1800 वाहन मुहैया कराए जाएंगे। नवरत्नगढ़ का किला इस वजह से है बेहद खास। नवरत्नगढ़ किला को राजा भोज का किला के नाम से भी जाना जाता है और यह बक्सर में स्थित है। नवरत्नगढ़ किला देखने के लिए एक ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ के खंडहर इसके गौरवशाली अतीत को परिभाषित करते हैं। इतिहास के पन्नों से इतिहासकारों का मानना है कि उज्जैन से परमार वंशीय राजा का विस्थापन 14वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में हुआ। कला संस्कृति के प्रेमी इस राजा ने भोजपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर गंगा के मुख्य तट पर अपनी राजधानी और राजमहल के लिए स्थल का चयन किया। कला प्रेमी राजा की देखरेख हुआ हजारों श्रमिकों के वर्षों लगातार परिश्रम से नवरत्नगढ़ किला वर्ष 1633 में बनकर तैयार हुआ। इस किले के बारे में प्रसिद्ध यह भी है कि इसके अंदर 52 गलियां और 56 बाजार थे। इस किले की लोकप्रियता और वैभव शाहजहां को रास नहीं आई और महज 3 साल के अंदर इसे ध्वस्त करा दिया गया। एसपी के ठिकानों से हुए लाखों के कैश बरामद। जब कानून के रखवाले ही कानून तोड़ना शुरू कर दे तो क्या हो। दरअसल बिहार के पूर्णिया जिले के एसपी दयाशंकर के 8 ठिकानों पर बीते दिन मंगलवार को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने छापेमारी की है। खबर लिखे जाने तक उनके ठिकाने से 72 लाख के आसपास कैश बरामद किए जा चुके थे। इसके बाद अधिकारियों ने नोट गिनने और सोना चांदी तोलने के मशीन भी मंगवाए ताकि बरामद की गई संपत्ति का आकलन किया जा सके। मिली जानकारी के अनुसार एसपी दयाशंकर साल 2016 में कई तरह से अवैध पैसे कमाए, जिसके बाद इनके खिलाफ आय से 65% अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में इनके ठिकानों पर विशेष निगरानी विभाग की छापेमारी की गई। विधानसभा के दोनों ही सीटों पर राजद ने किए अपने उम्मीदवार खड़े। बिहार में 2 सीट मोकामा और गोपालगंज में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन के दलों ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। दोनों ही सीटों पर राजद के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। एक और जहां मोकामा विधानसभा सीट पर राजद ने बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया, तो वहीं गोपालगंज विधानसभा सीट से राजद के मोहन कुमार गुप्ता को राजद ने टिकट दिया है और इस तरह से राजद ने कांग्रेस से गोपालगंज विधानसभा की सीट छीन ली है। बता दें कि इन दोनों ही सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू है। इन दोनों ही सीटों पर मतदान आगामी महीने नवंबर की 3 तारीख को होगी। विद्यार्थी सीखेंगे साइबर अपराध से बचने के गुर। जितनी तेजी से हम सभी डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग के खास पहल से अब बिहार के सभी स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी साइबर अपराध से बचने की शिक्षा लेंगे। इसमें न सिर्फ विद्यार्थियों को बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों को भी साइबर अपराध से बचाव की शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय किया जा रहा है। 6 अक्टूबर से विभिन्न राज्यों में इसकी गतिविधियां भी आरंभ हो गई हैं और साइबर अपराध से विद्यार्थियों को बचाने के लिए यह मुहिम हर माह बिहार के स्कूल कॉलेजों में भी चलाने का निर्णय राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने लिया है और इसी के साथ सभी जिलों के पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में हर माह के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाए। बिजली उपभोक्ताओं को अब मिलेगी अधिक बिजली भुगतान से राहत। बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। बिजली कंपनी स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को राहत देने की तैयारी में है। दरअसल कंपनी अपने सप्लाई कोड में परिवर्तन ला रही है। दरअसल स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल अधिक रहने की शिकायत पर बिजली कंपनी ने पूरी स्थिति का आकलन कराया, जिसमें पता चला है कि लोड बढ़ने की वजह से बिजली बिल की राशि पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ जा रही है, जिसके बाद कंपनी ने यह सुनिश्चित किया है कि इस समस्या के समाधान के लिए सप्लाई कोड संशोधित किया जा रहा है। सप्लाई कोड संशोधित होने के बाद से अगले 6 महीने तक लोड बढ़ने पर उपभोक्ताओं से किसी भी तरह का दंड नहीं लिया जाएगा। जहां कंपनी के CMD संजीव हंस के अनुसार नए और पुराने सभी श्रेणी के स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश के लिए इस दिन होगी परीक्षा। सत्र 2023-24 में सिमुलतला आवासीय विद्यालय की छठी कक्षा में प्रवेश के लिए प्रारंभिक परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र secondary.biharboardonline.com पर जाकर अपना एडमिट कार्ड पासवर्ड डालने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 20 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से 3:30 बजे तक किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले छात्र मुख्य में शामिल होंगे। नवंबर दिसंबर में होगा विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में करा लिया जाएगा। विश्वविद्यालय ने यह पत्र सभी कॉलेजों के स्नातकोत्तर विभागों को भेजा है, जिसमें सभी नामांकित छात्रों की संख्या की सूची मांगी गई है, ताकि यह पता चल सके कि किस कॉलेज और स्नातकोत्तर विभाग में छात्रों की कितनी संख्या है। पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव कराया जाएगा। पिछली बार कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हो सका था। आज भी जमकर बरसेगा बदरा, वज्रपात से रहें अलर्ट। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग ने कहा है कि अक्टूबर महीने में राज्य भर में लगातार बारिश होगी। दक्षिण पूर्व हवाओं के जरिए बिहार में नमी बरकरार है। यही वजह है कि बिहार में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है। 12 से 15 अक्टूबर के बीच भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 12 अक्टूबर को रोहतास, भभुआ, किशनगंज और कटिहार में झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। इन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में अगले 48 घंटे तक मौसम का मिजाज नमी भरा रहेगा। दरअसल पिछले 2 दिनों से कई जिलों में जमकर बारिश भी हुई है, इसमें राजधानी पटना भी शामिल रहा। अन्य कई जिलों में काले बादल छाए रहे। IRCTC ने खाना ऑर्डर करने के लिए जारी किया व्हाट्सएप नंबर। भारतीय रेल यात्रियों की सुविधा के लिए आए दिन खुद को अपडेट करता रहता है। इसी कड़ी में IRCTC ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिस पर मैसेज करते ही आपके पास खाना पहुंच जाएगा। अब सफर के दौरान आपको IRCTC के फूड स्टॉल या भोजनालय से ऑर्डर करने के लिए फोन घुमाने की जरूरत नहीं है। अब आप व्हाट्सएप से भोजन नाश्ते का ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करते ही नाश्ता या भोजन आपके बर्थ पर पहुंच जाएगा। इसके लिए आपसे कोई सुविधा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। यात्री को 7042062070 नंबर पर ट्रेन नंबर, बर्थ और कोच नंबर के साथ अपना मेन्यू देना होगा। अगले स्टेशन पर आपके पास भोजन उपलब्ध होगा। इस वजह से युवा वर्ग में अधिक मिल रहे हैं डेंगू पीड़ित। बिहार में डेंगू का आतंक जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी पटना में 20 से 30 आयु वर्ग के युवा सबसे अधिक डेंगू से पीड़ित हो रहे हैं। युवाओं के पीड़ित होने का मुख्य कारण बीमारी होने के बाद भी हमेशा गतिमान रहना माना गया है। बताया गया है कि पटना जिले में अभी तक कुल 1844 डेंगू के मरीज का मामला सामने आया है, जिसमें 20 से 30 के बीच के आयु वर्ग के अब तक 720 युवा डेंगू के शिकार हो चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक शहरी क्षेत्र के हैं। पीड़ितों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से 2 गुनी है। 31वीं बिहार न्यायिक सेविका के टॉपर इन्हें मानती हैं अपना प्रेरणा स्रोत। BPSC द्वारा जारी किए गए 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित किया गया, जिसमें रांची की रहने वाली भावना नंदा ने झारखंड का नाम रोशन करते हुए टॉपर बना। ETV से खास बातचीत में भावना ने बताया कि उनके पिता नवल किशोर नंदा ने उन्हें न्यायिक सेवा में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था, लेकिन वह झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रही जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा से बहुत ही प्रभावित थी। भावना नंदा ने जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। आपको बता दें कि भावना ने 12वीं की पढ़ाई के दौरान ही अपना मन बना लिया था कि उन्हें न्यायिक सेवा में जाना है, और उन्होंने BA LLB की पढ़ाई रांची स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ यानी NURSL से 2014-19 बैच में पूरी की थी। बिना नाम लिए अमित शाह ने नीतीश पर बोला जुबानी हमला। बीते दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह और UP CM योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थ दियारा पहुंचे। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि JP की जन्मस्थली प्रदेश का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर बनेगा। यहाँ विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बिना नाम लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि जयप्रकाश नारायण एवं राम मनोहर लोहिया के नाम लेकर राजनीति करने वाले लोग सत्ता के लिए कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। कुर्सी के लिए 5-5 बार पाला बदलकर सिद्धांत विहीन राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब आप ही बताइए कि यहां JP के सिद्धांत की राजनीति रही है क्या।
नीतीश कुमार के साथ तालमेल पर कांग्रेस अभी नहीं लेगी फैसला। बीते दिन बिहार में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का हुजूम उमड़ा। उधर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ तो इधर कांग्रेस अध्यक्ष उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे भी बीते दिन बिहार दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद वे यह तय करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ पार्टी का क्या तालमेल होगा। खड़गे ने प्रेस से बातचीत के दौरान भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं, रातों रात जहां मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं, वे कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, बिहार के युवाओं का ब्रेन शार्प है। इतने दिन जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपी की जन्मभूमि छपरा के शताब्दी अड्डा पहुंचे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुले मन से बिहार के लोगों की तारीफ की है। उन्होंने बिहारियों के तारीफ में कहा कि बिहार के युवाओं का ब्रेन शार्प है, लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार के चलते लोगों की प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोक दिया जा रहा है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली के गांव के बाद वाली भूमि उत्तर प्रदेश की है। इस इलाके में बाढ़ की समस्या का समाधान पर काम किए जाएंगे। बाढ़ मुक्ति के लिए यूपी में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। नम आंखों से नेताजी को चाहने वालों ने दी अंतिम विदाई। समाजवादी नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बीते दिन पंचतत्व में विलीन हो गए। मुलायम सिंह यादव का सैफई में अंतिम संस्कार हुआ। नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए 1,00,000 से ज्यादा लोग पहुंचे। इस दौरान अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी सैफई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी और अर्थी को भी कंधा दिया। बता दें, मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को निजी भूमि पर बनाए गए अंत्येष्टि स्थल पर ले जाया गया। चंदन की लकड़ियों की चिता तैयार की गई। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दी। कुलदीप की फिरकी में फंसी अफ्रीकी टीम। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे वनडे मैच में 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-1 से कब्जा कर लिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी गेंदबाजी की कि मेहमान टीम 100 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। पूरी अफ्रीकी टीम 27 ओवर 1 गेंद में महज 99 रनों पर सिमट गई। स्पिनर कुलदीप यादव ने सबसे अधिक 4 विकेट चटकाए। इस जीत के साथ भारत ने वनडे सीरीज की 2-1 से अपने नाम कर ली है। स्पिनर कुलदीप यादव को उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। मध्य अफ्रीका में स्थित देश इक्वाटोरियल गिनी को 1968 में स्पेन से स्वतंत्रता मिली और यह दिन इस देश का राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। रायबरेली के लालगंज में रेल कोच फैक्ट्री के लिए 3 माह पहले दी गई लगभग 500 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सरकार ने 2008 में वापस ली। केरल की सिस्टर अल्फोंसा भारत की पहली महिला संत बनी। क्रांतिकारी और बाद में गांधी जी के अनुयायी पेरिन बेन का जन्म 1888 में हुआ। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आत्माराम का जन्म 1908 में हुआ। भाजपा के लोकप्रिय नेता और ग्वालियर की राजमाता विजयीराज सिंधिया जी का जन्म 1919 में हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ पंजाब के राज्यपाल पूर्व लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल का जन्म 1935 में हुआ। प्रसिद्ध उर्दू शायर और गीतकार निदा फाजली का जन्म 1938 में हुआ। शिव कुमार बिलगरामी का जन्म 1963 में हुआ। वे समकालीन गीतकार एवं गजलकार हैं जो अपने मौलिक लेखन और चिंतन के लिए जाने जाते हैं। समाजशास्त्र किरण मिश्रा का जन्म 1980 में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन 1967 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे छात्रों को मिलने वाले फ्री लैपटॉप के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे छात्रों को मिलने वाले फ्री लैपटॉप के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि एक वेबसाइट PMSSGOVT.online 11वीं कक्षा के स्नातक छात्रों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लैपटॉप योजना 2022 के नाम पर मुफ्त लैपटॉप देने का दावा कर रही है। पीआईबी ने इस ट्वीट में कहा है कि यह वेबसाइट फेक है, भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है। खास लोगों के लिए व्हाट्सएप ने दिया ये खास फीचर। व्हाट्सएप एक नई सुविधा पर काम कर रहा है जो किसी बिजनेस करने वालों के कुछ लिंक किए गए उपकरणों पर चैट असाइन करने की अनुमति देगा। प्लेटफॉर्म अब बिजनेस खातों के लिए एक और सुविधा शुरू कर रहा है। व्हाट्सएप प्रीमियम वेविन्फो के अनुसार व्हाट्सएप प्रीमियम केवल एक वैकल्पिक योजना है और कुछ देशों में कुछ बेटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध हो सकता है। व्हाट्सएप प्रीमियम के माध्यम से बिजनेस करने वाले कुछ उन्नत सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि ग्राहकों तक पहुंचने का एक बेहतर तरीका और नए उपकरणों को जोड़ने के दौरान कुछ सुधार। इस सप्ताह व्हाट्सएप आखिरकार कुछ बिजनेस करने वालों के लिए सदस्यता योजना जारी कर रहा है जो प्ले स्टोर और टेस्ट फ्लाइट पर उपलब्ध एंड्रॉयड और iOS ऐप का नवीनतम बीटा संस्करण स्थापित करता है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश शर्मा, जफरुल आलम, सोनम देवी, नुन्नू कुमार, गुड्डू बिहारी, अरुण कुमार, राजीव कुमार, विजय घायल, मिथिलेश कुमार, देवेंद्र सिंह, अनवर करीम खान, अशोक राम और धर्मेंद्र कुमार मेहरा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार भारत बनाम साउथ अफ्रीका खेले गए वनडे सीरीज में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा रहा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।